एंटरप्रेन्योरशिप और अपने लिए लाइवलीहुड ऑप्शन की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं जुनैद इकबाल। और आज की इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हम देखते हैं हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीनें हमें दी हैं, बारिशें दी हैं, पानी दिया है। हम लोग हैं कि या तो हम अपनी ज़मीनों को बंजर छोड़ देते हैं, उनमें कुछ भी काश्त नहीं करते, अगर करते भी हैं तो वही ट्रेडिशनल गंदम और मक्की काश्त करते हैं जो शायद उन ज़मीनों में फिजिबल भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी जनरेट नहीं कर सकती। आज जिन ज़मीनों में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का काम किया हुआ है और अपने लिए और अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, न सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए बल्कि बहुत से उन लोगों के लिए जो उनके साथ वाबस्ता है, उनके लिए एक लाइवलीहुड ऑप्शन का बंदोबस्त किया हुआ है और मॉडर्न वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं, जस्ट लाइक ब्रोकली और चेरी टोमेटोज एंड चाइनीज़ कैबेज। तो ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के ये उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं ज़मीनों को इस्तेमाल करते हुए, उसी पानी को इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न लाइंस पे एग्रीकल्चर की हुई है। और ये बनाने का मेरा आपको मकसद कि इनकी मार्केट क्या है। दिस इज़ नॉट लाइक कॉमन कॉलीफ्लावर या कैबेज, ये फाइव स्टार होटल्स में इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर आ जाएगी, आप देख लेंगे कि किस तरह से हमारी ये जो ब्रोकली है और इसी तरह से क्या चाइना कैबेज है, और इस बैकग्राउंड में मैं अभी आपको दिखाऊंगा चेरी टोमेटोज हैं। ये फाइव स्टार होटल्स में, हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे हम लोग जाते हैं, ज़ाहिर है हमारे शहर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की चैन मौजूद हैं और वहाँ पे ये एज ए सैलड यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें, और दीज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पर केजी। हम अगर एक पौधे से उठाते हैं ब्रोकली और इसके अगेंस्ट हम नॉर्मल कॉलीफ्लावर का फूल दें, वही फूल होगा, वही उस पर कास्ट आएगी, लेकिन हमें जो इन रिटर्न जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, दैट्स मैनी फोल्ड। अभी हम चलते हैं चेरी टोमेटोज की तरफ। आपको एक तो ये लाइवलीहुड है, दिस इज़ यू नो लाइवलीहुड इन बोथ ऑप्शन, एक तो कमाई का जरिए और दूसरा इंसान के लिए ज़िंदगी है। जब आप इन फलों के साथ, इन सब्जियों के साथ, इन वेजिटेबल्स के साथ मुंसलिक होते हैं तो यू रियली लव। अब ये देखें कि दिस इज़ चाइना कैबेज, और खूबसूरत किस्म का इसका फूल भी है और इसको चाइनीज़ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एज ए सैलड भी यूज़ करते हैं, और दिस इज़ वंडरफुल, और इसकी अच्छी खासी कीमत है। तो अल्टीमेटली हमारी नौजवान नस्ल जिसको यही गिला होता है कि हमारे पास वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमारे पास अपने बाप दादाओं की कुछ ना कुछ ज़मीनें ज़रूर होती हैं, एक कनाल, दो कनाल, दस कनाल, उन ज़मीनों में अगर पानी का बंदोबस्त करके मॉडर्न वेजिटेबल्स को इस तरह से ग्रो किया जाए कि हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट हो, तो दैट वुड बी रियली यू नो इनकरेजिंग। और हम इस वो कहते हैं शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते, कि हम अपने लिए नहीं कर रहे होते, हम बहुत से लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बन जाते हैं। जी नाज़रीन, ये है चेरी टोमेटो, और इसकी देखने में तो एक छोटा सा टमाटर लगता है कि अभी इमेच्योर है, लेकिन ये सैलड में यूज़ होता है, और मुझे बता रहे थे भाई कि इसकी कीमत 1200 रुपये पर केजी है, और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और पाकिस्तान के जो होटल्स हैं फाइव स्टार उनमें ये सैलड यूज़ किया जाता है। इट्स वेरी गुड, इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये देख सकते हैं आप, इसके छोटे से पौधे के साथ बड़ी क्वान्टिटी में टोमेटोज लगे हुए हैं, ये इसमें से डेली उतारते हैं, जिस तरह से भाई बता रहे थे कि 15 से 20 किलो टमाटर डेली इस छोटे से फार्म से उठाते हैं, और 15 से 20 का मतलब है कि 20 से 25,000 पर डे। तो छोटे पैमाने पे ये जहाँ पे टोमेटोज लगे हुए हैं, ये हार्डली कोई 10 से 12 मरले जगह होगी जो हर एक के पास अवेलेबल होती है, और नॉर्मल साइज़ की गार्डनिंग है, आप इसको लगा के उसकी मार्केट कर सकते हैं, और वही शिकवा के करने को कुछ भी नहीं, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सारे पौधे इसके और फलों भरे हुए हैं। अभी इसमें कुछ टोमेटोज कच्चे हैं,
तो ये डेली इनकी जो है जो बड़े हो चुके हैं वो पक के तैयार हो जाते हैं, जो छोटे हैं वो ग्रो कर जाते हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। ये नन्हे नन्हे टमाटर बट प्रॉफिट में मैनीफोल्ड टू और ट्रेडिशनल वेजिटेशन के जो हम घरों में करते हैं। जी उम्मीद है आपको मेरी आज की एपिसोड पसंद आई होगी। और इस वक्त जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मेरे सामने ये जो पत्ते हैं ये छोटे छोटे, ये है सेलरी। बेसिकली सेलरी धनिया के तौर पर इस्तेमाल होती है, आपके सालन को इसको टेस्ट को बढ़ा देती है। और ये भी इसी तरह से, इसकी भी काफ़ी महंगी प्राइस पे ये सेल आउट होती है। और चूँकि इसमें इतने बड़े लेवल पर काम नहीं हो रहा, और आपको बताने का मकसद ये है, ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु आर सिटिंग व्हेन दे आर डूइंग नथिंग। तो उनके पास ज़मीन है, जगह, आप ज़मीन किसी से ले सकते हैं बड़े आसान। अगर आपकी अच्छी प्रोडक्शन हो जाती है, आप अच्छा अर्न करना शुरू कर सकते हैं जाते हैं, तो आप ज़मीन ख़रीद कर भी या ज़मीन लीज पर लेकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए वी नीड टू गेट आउट, हमने सोचना है, वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उन लोगों से हट के सोचना है जो ट्रेडिशनली शिकवा गुना ही रहते हैं। और सिर्फ यही शिकवा रहता है कि करने को कुछ भी नहीं। ये 1 kg टमाटो 1200 रुपये किलो, और अगर आप 5 kg डेली कर लेते हैं तो 6000 पर मंथ, पर डे आप जनरेट कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट हैंडसम अमाउंट। और इसको आप एज ए पार्ट टाइम रख सकते हैं, फुल टाइम अगर रखते हैं तो ठीक है, अगर आप इसको बड़े पैमाने पर लेके जाते हैं और इसको फुल टाइम अपने लिए साथ रखते हैं तो दैट्स ऑसम। लेकिन आप इसको पार्ट टाइम भी साथ रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एग्री की डोमेन में हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली किसी एपिसोड में कहीं और किसी और अपॉर्चुनिटी के साथ और नई मौक़ों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ग्रो मोर फॉर प्रॉस्पेरस पाकिस्तान।